ऐसे ही सुंदर हेयर स्टाइल्स को देखने के लिए और सीखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को जरूर दबाएं हमारी लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। तो सबसे पहले दोस्तों आपको पार्टिंग कर लेना है, ईयर टू ईयर पार्टिंग, और सेंटर पार्ट आपको कर लेना है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि हमने पार्टिंग कर दिया है। उसके बाद दोस्तों आपको ईयर टू ईयर पार्टिंग के पीछे आपको एक सेक्शन निकालना है और इसके अंदर आपको करना है बैक कॉम। जैसे कि आप देख रहे हैं हम यहाँ पे बैक कॉम कर रहे हैं रूट पे, तो सेम ऐसे आपको बैक कॉम करना है। फिर उसके बाद आपको साइड सेक्शन में भी ऐसे ही एक सेक्शन निकालना है और इसके अंदर भी करना है आपको बैक कॉम। बैक कॉम दोस्तों आपको रूट पे रखना है जैसे कि आप देख पा रहे हैं। दूसरी साइड भी सेम ऐसे ही आपको करना है, साइड में सेक्शन निकालना है और इसके अंदर भी सेम ऐसे ही बैक कॉम करना है रूट पे। तो यहाँ पे हमने बैक कॉम कर दिया है दोस्तों। उसके बाद से आपको मांग टीका लगाना है दोस्तों, तो हम यहाँ पे बॉबी पिन से पिन कर रहे हैं। उसके बाद से दोस्तों साइड में क्रॉस सेक्शन में आपको बॉबी पिन से यहाँ पे पिन करना होगा। दोनों साइड क्रॉस सेक्शन में आपको ऐसे ही आपको बॉबी पिन लगानी है जैसे कि आप देख पा रहे हैं। तो ऐसे हमें यहाँ पे बॉबी पिन लगानी है दोनों साइड, और उसके बाद से स्टफिंग को रोल करेंगे ऊपर की तरफ। तो जो बीच का सेक्शन है उसको सबसे पहले आप ले लेंगे और इसके अंदर अच्छे से कॉम कर लेंगे। कॉम करने के बाद स्टफिंग को ऊपर रख के और ऊपर की तरफ ही आपको रोल करना है जैसे कि आप देख पा रहे हैं। और स्टफिंग को हम सेट करेंगे जूड़ा पिन से। जूड़ा पिन से हम यहाँ पे पिन कर रहे हैं, जो हमने बॉबी पिन लगाया था उसी के अंदर ही हम जूड़ा पिन से पिन कर रहे हैं। तो ऐसा आपको दोनों साइड से करके उसके बाद आपको सेंटर में भी सेम वैसे ही कर लेना है। तो अब हमें करना है स्टफिंग को हाइड। जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमने यहाँ पे आगे एक सेक्शन निकाला है स्टफिंग के आगे, तो इसके अंदर हम बैक कॉम करेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमने ये सेक्शन निकाला है और इसके अंदर हम बैक कॉम करेंगे रूट पे थोड़ा सा, और बैक कॉम करने के बाद हल्का सा हम कॉम करेंगे, जो कि अगर हमारा बैक कॉम बाहर दिखाई दे रहा होगा तो उसको स्मूथ करना होगा कि हमारा जो बैक कॉम है वो दिखाई ना दे। उसके बाद से आपको पीछे पिन कर लेना है। दूसरी साइड भी दोस्तों सेम वैसे सेक्शन निकालना है आपको, और सेक्शन निकालने के बाद आपको पीछे की तरफ ले जाकर पिन करना है दोस्तों। तो पिन आपको दोस्तों बॉबी पिन से पिन करना है जैसे कि आप देख पा रहे हैं हम यहाँ पे बॉबी पिन से पिन कर रहे हैं, तो सेम ऐसे ही आपको बॉबी पिन से पिन कर लेना है। तो ये हमने बॉबी पिन से पिन कर दिया दोस्तों। और पफ के अंदर अगर आपको कहीं दबा हुआ कोई हिस्सा आपको दिखता है तो आप उसको टेल कॉम से उठा लेंगे। उसके बाद से जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमने यहाँ पे बॉक्स सेक्शन बनाया है और जो साइड का हिस्सा था उसको पीछे की तरफ पिन किया हुआ है स्टफिंग के पीछे, और फ्रंट में कर्ल करने के लिए एक छोटी सी लेयर छोड़ी हुई है दोस्तों। तो सेम ऐसा आपको कर लेना है, और जो फ्रंट में जितने ही बाल बचे हुए हैं बॉक्स सेक्शन और ये जो आप देख रहे हैं हिस्सा, इन दोनों को सेपरेट कर लेना है। पफ को हम इसको कॉम करके, सारे सेक्शन को कॉम करके और यहाँ पर हम सेपरेट कर रहे हैं, तो इसके अंदर बाद में स्टाइलिंग करेंगे। सबसे पहले जो आप देख रहे हैं हम यहाँ पर पफ के पास एक सेक्शन निकाल रहे हैं, तो सेम ऐसे आपको सेक्शन निकाल लेना है। तो सेम ऐसे आपको अच्छे से सेक्शन निकाल लेना है। उसके बाद से हम यहाँ पे एक फ्रिल लगाएंगे, जिसके अंदर हम फ्रिल जो है हमने जो नेट होती है उसके अंदर डाला हुआ है, तो सेम ऐसे आपको कर लेना है। आप डायरेक्ट फ्रिल भी लगा सकते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं हम यहाँ पे रबर बैंड से यहाँ पे हम इसको अच्छे से टाइट यहाँ पे पोनी के साथ बना रहे हैं। तो सेम ऐसे ही आपको कर लेना है, यहाँ पे टाइट एकदम रबर बैंड से कर लेना है इस सेक्शन को। तो हमने इसको अच्छे से टाइट कर लिया है दोस्तों, और हमने ठीक जो स्टफिंग वाला पार्ट है उसी के नीचे जो सेक्शन छोड़ा था उसी के नीचे ही हमने वहाँ पे अच्छे से रबर लगा के उसको टाइट किया हुआ है। अभी आप देख रहे हैं जो बॉक्स सेक्शन था यहाँ पर हम पीछे की तरफ बैक कॉम कर रहे हैं, तो ऐसे आपको बैक कॉम कर लेना है दोस्तों। और आपको जो आपने बैक कॉम किया हुआ है उसके अंदर ही आपको स्ट्रॉन्ग वाला हेयर स्प्रे यूज़ करना होगा दोस्तों। तो आपको एक स्ट्रॉन्ग हेयर स्प्रे की ज़रूरत होगी। मैं सॉसकॉप का प्रोडक्ट यूज़ करता हूँ और ये सॉसकॉप का प्रोडक्ट है, तो आप यूज़ कर सकते हैं। और जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर मैंने एक ब्रॉड कॉम ले रखी है जिसके टीथ जो है काफ़ी वाइड हैं,
तो अच्छे से हम कोम कर रहे हो। कोम करने के साथ ही जैसे आप देख रहे हैं हमने यहाँ पे वेव शेप बनाई हुई है पफ की, तो ऐसा आपको बना लेना है। और याद रहे दोस्तों आपको पीछे बैक कोम करनी है, और बैक कोम के बाद जो बैक कोम आपने किया हुआ है उसके अंदर आपको स्ट्रॉन्ग वाला हेयर स्प्रे यूज़ करना है। तो उसके बाद जैसे कि आप देख रहे हैं हम हल्का हल्का सा लूज़ कर रहे हैं, जो हमने वेव बनाया था उसको थोड़ा सा स्प्रेड कर रहे हैं, फैला रहे हैं, तो ऐसा आपको कर लेना है। और ये दोस्तों यकीन माने बहुत अच्छा लगता है, जैसा कि आप देख रहे हैं बहुत ही अच्छा, रियल में आप करेंगे तो बहुत ही अच्छा लुक आएगा। मगर उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको क्रिम करना पड़ेगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं मेरे ये पूरे जो हेयर स्टाइलिंग कर रहा हूँ इसके अंदर पूरा क्रिम किया हुआ, तो आप भी क्रिम कर सकते हैं। और छोटे छोटे बाल आते हैं तो उसको आप, जैसे कि अभी देख रहे थे हमने एक बाल आया हुआ था अलग से, तो हमने उसको अच्छे से मर्ज कर दिया, अच्छे से उसी शेप में मर्ज किया हुआ है, तो सेम ऐसे ही आपको कर लेना है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं हम एक एक लेयर को स्प्रेड कर रहे हैं, तो सेम ऐसे ही आपको करना है, हल्का हल्का उसको फैलाना है जो आप लेयर देख पा रहे हैं। और यहाँ पे हमने हल्का सा ट्विस्ट किया हुआ है दोस्तों, और जो पफ जो ये साइड का वेव जो दिख रहा था इसके ऊपर भी हम हल्की हल्की सी सॉफ्ट लाइन क्रिएट कर रहे हैं फिंगर टिप की हेल्प से। तो आपको ऐसे ही सेम टू सेम कर लेना है, और उसके बाद से आप स्ट्रॉन्ग वाला हेयर स्प्रे यूज़ करेंगे दोस्तों। मैं टाफ्ट यूज़ करता हूँ, और ये जो ब्लैक वाला हेयर स्प्रे है ये शॉशकॉफ का प्रोडक्ट है, तो ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है दोस्तों, तो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं हमने यहाँ पे जो ट्विस्ट किया हुआ था और जो पफ है उसी के साथ ही हम इसको अटैच कर रहे हैं जूड़ा पिन की हेल्प से, तो आप भी सेम ऐसे ही अटैच कर लेंगे। जो हमने फ्रंट का है जो वेव बनाया हुआ था, स्टाइल जो बनाया हुआ था, इसको हमने अच्छे से यहाँ पे पिन कर दिया है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं हमने फ्रंट में जो ऊपर जो पफ के ऊपर हमने लाइंस बनाया हुआ था, सॉफ्ट लाइंस जो बनाई हुई थी उसी को ही रिक्रिएट कर रहे हैं स्प्रे के साथ, कि जो हमारी लाइंस है वो वैसे के वैसे रहे, हमारी जो लाइंस है वो ख़राब ना हो। तो सेम ऐसे ही आपको कर लेना है दोस्तों। तो आप मुझे नीचे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको ये हेयर स्टाइल कैसा लगा, स्पेशली जो आपने फ्रंट देखा ये आपको कैसा लगा दोस्तों। और अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं दोस्तों। और दोस्तों अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन भी ज़रूर दबाएं। जैसे कि आप देख रहे हैं फ्रंट में भी हम स्ट्रॉन्ग वाला हेयर स्प्रे यूज़ कर रहे हैं दोस्तों, जो स्टाइलिंग है वो हमारी बिल्कुल एज इट इज़ ऐसी रहे, इसीलिए हमें स्ट्रॉन्ग वाला हेयर स्प्रे यूज़ करना ही करना है। अभी आप देख रहे हैं फ्रंट पे जो पीछे के बाल थे दोस्तों हमने फ्रंट पे ले आए हैं, तो सेम ऐसे ही आपको कर लेना है। उसके बाद दोस्तों हम यहाँ पे कॉइल करेंगे, तो हमने एक सेक्शन निकाला फ्रंट में और इसके अंदर हमने अच्छे से कोम किया दोस्तों। कोम करने के बाद आपको 25 mm के एक कर्लिंग रॉड यूज़ करनी पड़ेगी, और जैसे कि आप देख रहे हैं हम यहाँ पे कॉइल कर रहे हैं ऊपर की तरफ, तो सेम ऐसे ही आपको कर लेना है, ऊपर की तरफ आपको कॉइल करना है। तो ऐसे ही आपको कॉइल कर लेना है दोस्तों, और उसके बाद से आपको कॉइल करने के बाद आप उसको खोल लेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं हमने कॉइल को खोल दिया, और उसके बाद से आपको जो कर्ल आपने खोला है उसको लूज़ करेंगे। लूज़ करने के बाद आप जूड़ा पिन से या बॉबी पिन से आप उसको पिन कर लेंगे, जो आपने साइड में जो स्टफिंग लगाई होगी, आपने जो फ्रिल लगाया होगा आपने, ये तो हमने जो फ्रिल है एक नेट के अंदर डाला हुआ है और उसको रबर से हमने वहाँ पे सेट किया हुआ है, तो सेम ऐसा आप कर सकते हैं। नहीं तो आप वहाँ पे ओनली फ्रिल भी लगा सकते हैं, जो फ्रिल होती है आप ओनली फ्रिल भी लगा सकते हैं। और जैसे कि आप देख रहे हैं जो हमारा जो हमने जो कर्ल किया हुआ था वो पहले एक एक पार्ट को हमने अच्छे से पिन किया था, और जो एक्स्ट्रा बाल बच गए थे उसको भी हमने वहाँ पे पिन कर दिया है। अभी आप देख रहे हैं पीछे की तरफ भी हमने एक सेक्शन लिया है और उसको भी हम यहाँ पे कर्ल कर रहे हैं दोस्तों, तो सेम ऐसे आपको कर्ल कर लेना है। और कर्ल करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको कोम करना होगा। जैसे कि आप देख रहे हैं हमने यहाँ पे कर्ल करने के बाद हम यहाँ पे कोम कर रहे हैं, तो कोम कर लेना है। कोम करने से ये होगा कि आपका जो कर्ल है वो सॉफ्ट हो जाएगा, लूज़ हो जाएगा, तो सेम ऐसे ही। और हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो हमारा जो कर्ल है वो सॉफ्ट करने के बाद हम यहाँ पे पिन कर रहे हैं, जिससे कि वॉल्यूम भी हमें अच्छा लग रहा है और एक सॉफ्ट सा लुक आ रहा है। तो सेम ऐसा अगर आप करेंगे तो एक सॉफ्ट लुक आएगा और एक अच्छा लुक आपको देखने को मिलेगा, तो ऐसे ही आपको कर लेना दोस्तों। और जो बचे हुए पार्ट हैं उसको भी ऐसे ही आपको सॉफ्ट से एक पुल करने के बाद आप वहाँ पे
हाँ जूड़ा पिन से पिन कर लेंगे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं हमने यहाँ पे जूड़ा पिन से पिन किया हुआ है, तो ऐसे ही आप जूड़ा पिन से बॉबी पिन से पिन कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद से हमने फ्रंट में फिर एक और सेक्शन निकाला है दोस्तों, और इसके अंदर भी हम सेम वैसे ही कॉइल करेंगे। तो हम यहाँ पे कॉइल कर रहे हैं दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं सेम वैसे ही हमने यहाँ पे कॉइल करना है। नॉर्मली आप वैसे भी कॉइल कर सकते हैं, जैसे कि रॉड के ऊपर हम रैप करते हैं वैसे भी करके, क्योंकि आपको खोलना है उसको, जो आपने कॉइल किया है उसको ओपन करना है कोम से, तो आप वैसे भी कर सकते हैं। और करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना होगा, जैसे कि आप देख रहे हैं हमने एक कॉइल को पकड़ा हुआ है और उसको हल्का सा लूज़ करने के बाद हम जूड़ा पिन से पिन कर रहे हैं, तो सेम ऐसे ही आपको कर लेना है। फिर उसके बाद से बचे हुए पार्ट होते हैं उसको भी अच्छे से कोम करना है। कोम करने के बाद फिर जो कर्लिंग वाला जो शेप होता है फिर दोबारा से आपको वहाँ पे जूड़ा पिन से दोस्तों पिन करना होगा। और दोस्तों फेसबुक और इंस्टाग्राम पे अभी तक आपने फॉलो नहीं कर रखा है तो वहाँ पे ज़रूर फॉलो करें। आप सभी को पता है हमारी जो वीडियोस है यूट्यूब पे आती है, मगर अगर आपको हेयर स्टाइलिंग से रिलेटेड फ़ोटो या क्लास की न्यू अपडेट अगर आपको चाहिए तो आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं हमारे सेम इसी नाम से, मैजिक टेक्निक्स बाय चंद्रप्रकाश पटेल के नाम से आप फॉलो कर सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों अगर आपको हेयर स्टाइलिंग में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे को व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9911418347 दोस्तों। तो जैसे कि आप देख रहे हैं जो हमने पफ बनाया हुआ था उसका एक्स्ट्रा जो पार्ट था उसके अंदर भी हमने कॉइल किया है, कॉइल करने के बाद हम वहाँ पे पिन कर रहे हैं, तो सेम ऐसे आपको पिन कर लेना है। हर एक जो सेक्शन रहेगा जो बाल रहेगा आपका उसको कॉइल करना है और कॉइल करके पिन करना है, और जो हम जो कॉइल जो हमने किया हुआ है उसको कॉइल करने के बाद हम कोम कर रहे हैं ताकि वो सॉफ्ट हो जाए और वॉल्यूम भी हमें अच्छा मिले, इसीलिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कॉइल करने के बाद कोम करते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं पीछे हमने एक और सेक्शन लिया है और उसके अंदर भी हम कॉइल कर रहे हैं, तो सेम ऐसे आपको कॉइल कर लेना है। और कॉइल करने के बाद आपको कोम करना है, और कोम करने के बाद जैसे कि आप देख रहे हैं अब हमारा जो कॉइल है वो बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है। हल्का हल्का आपको पुल करना होगा, उसको खींचना होगा जो सेक्शन है उसको, और उसके बाद से आप जूड़ा पिन या बॉबी पिन से उसको पिन कर सकते हैं। जो आपने साइड में जो भी स्टफिंग आपने लगाई होगी, चाहे आपने फ्रिल लगाई हो चाहे आपने नेट लगाया हो, तो आप ऐसा कर सकते हैं। और उसके बाद से जो बचे हुए जो सेक्शन होते हैं एक एक जब आप पिन कर देते हैं उसके बाद जो बच जाता है सेक्शन उसके उसके अंदर भी सेम वैसे ही आप करेंगे। आपको सबसे पहले कोम करना होगा, कोम करने के बाद आप उसको लूज़ करेंगे, लूज़ करने के बाद ही आप उसको पिन करेंगे। तो ये आप देख रहे हैं हमने टू पार्ट में डिवाइड कर दिया हमारे सेक्शन को, फ्रंट का आगे की तरफ हमने हेयर को रख दिया है और जो पीछे के लिए हमने पीछे से जो हेयर आएगा उसको हमने पीछे की तरफ रख दिया है। अभी हम फिर एक सेक्शन को निकाल के हमने कॉइल किया है, कॉइल करने के बाद फिर उसके बाद हमने लूज़ किया है उस सेक्शन को और यहाँ पे हम जूड़ा पिन से पिन कर रहे हैं, तो सेम ऐसे आपको कर लेना है दोस्तों। और स्प्रेड भी करना है दोस्तों, अगर स्प्रेड नहीं करेंगे तो आपको सॉफ्ट लुक नहीं मिलेगा और जैसा आप इस वीडियो में देख पा रहे हैं ऐसा लुक नहीं मिलेगा, तो इसलिए आपको स्प्रेड करना ज़रूरी है। और जैसे कि आप देख रहे हैं हम यहाँ पे पिन कर रहे हैं, तो सेम ऐसा आपको पिन कर लेना है। तो आपको एक सेक्शन पूरा कंप्लीट करना है, ये नहीं कि आपने एक पिन किया और छोड़ दिया, तो ऐसा नहीं करना है आपको। अगर आप ऐसा करेंगे दोस्तों तो आपका जो हेयर स्टाइलिंग है वो पूरा कंप्लीट नहीं हो पाएगा और बहुत ही ज़्यादा मैसी हो जाएगा, तो इसीलिए आपको क्या करना होगा वन बाय वन आपको कॉइल करना है और उस सेक्शन को पूरा कंप्लीट करना है। ये नहीं कि आपने एक बार कॉइल करके और आधे सेक्शन को छोड़ दिया, ऐसा नहीं करना है। और जैसे कि आप देख रहे हैं हमने पीछे की तरफ भी एक और हमने सेक्शन लेके उसको अच्छे से कॉइल किया, फिर उसके बाद से कोम करके हमने उसको कॉइल को लूज़ कर दिया है। लूज़ करने के बाद हम यहाँ पे पिन कर रहे हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हमने अच्छे से पिन कर दिया। फिर उसके बाद से फ्रंट में हमने एक और सेक्शन लिया दोस्तों, और इसके अंदर भी हम सेम वैसे ही कॉइल करेंगे। तो दोस्तों जो मेरी कर्लिंग रॉड है ये 25 mm की है, आप 25 mm की यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज आप 22 mm की भी यूज़ कर सकते हैं, 28 mm की भी यूज़ कर सकते हैं, तो आपको अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा मोटे कॉल्स चाहिए तो आप 28 नंबर या 30 नंबर, ऐसे अगर वो बढ़ते हुए नंबर की तरफ जाएंगे तो आपको मोटे कॉल्स मिलेंगे। अगर आप घटते हुए नंबर की तरफ जाएंगे जैसे कि 25, 22 या 19 नंबर तक की तरफ जाएंगे तो आपको
छोटे कर्ल्स मिलेंगे और टाइट कर्ल्स मिलेंगे, तो आप ऐसा कर सकते हैं और वन बाय वन आपको कर्ल करके आप उसको पिन करेंगे जैसे कि आप देख पा रहे हैं। तो दोस्तों आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा आपको ये हेयर स्टाइल कैसा लगा और लुक कैसा आ रहा है दोस्तों, आपको देखने में कैसा लग रहा है ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा। और जैसे कि आप देख रहे हैं पीछे एक और हमने सेक्शन निकाला है और इसके अंदर भी हम कर्ल करें। तो दोस्तों आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, जो फ्रंट में आप देख पा रहे हैं स्टाइल जो बन रहा है उसके लिए आपको अलग सेपरेट हेयर रखना पड़ेगा, और पीछे जो स्टाइल बन रहा है उसके लिए भी अलग से सेपरेट हेयर रखना पड़ेगा, तब बहुत इजी हो जाएगा दोस्तों आपको कर्ल करने में। जैसे कि आप देख रहे हैं हमने फ्रंट के लिए भी अलग से सेक्शन रखा है और बैक के जो पार्ट है उसके लिए भी हमने अलग सेक्शन रखा है। तो जैसा आप देख रहे हैं हम फ्रंट वाले सेक्शन में वन बाय वन एक 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 छोटे छोटे सेक्शन लेके इसके अंदर कर्ल कर रहे हैं और उसके बाद से लूज़ कर रहे हैं और पिन कर रहे हैं, तो सेम वैसे ही करना है। पीछे के लिए भी आपको अलग से सेक्शन रखना है, उसके साथ भी सेम वैसे ही आपको करना है, कर्ल करना है, कॉम करना है और उसके बाद से पिन करना है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं एक सॉफ्ट लुक और एक अच्छा आपको दिखने में लुक लग रहा होगा, तो आप ऐसा कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद हमने एक और सेक्शन निकाला है दोस्तों फ्रंट में, जैसे कि आप देख रहे हैं हमने यहाँ पे एक और सेक्शन निकाल लिया है और उसके बाद हम कॉम करेंगे दोस्तों। और दोस्तों आपको एक जैसे सेक्शन लेने हैं और ये नहीं कि आप ज़्यादा मोटे मोटे सेक्शन ले लें, अगर ज़्यादा मोटे सेक्शन लेंगे दोस्तों तो आपका हेयर स्टाइल है वो ऊपर ही हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, आपका जो हेयर है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ऊपर नीचे तक नहीं आ पाएगा। इसीलिए आपको क्या करना होगा, आपको नॉर्मल साइज के आपको सेक्शन लेने पड़ेंगे। आपको ये चीज़ जज करना होगा कि मेरा जो हेयर स्टाइल है पूरा नीचे तक चले जाए, ये नहीं कि आप एकदम से हेयर मोटे मोटे लेके और आपने ऊपर तक ही सारे हेयर को पिन कर दिया और नीचे तक आ नहीं पाया, तो नीचे बहुत गंदा लगेगा। इसीलिए आपको क्या करना होगा, आपको जज करना होगा कि आपका जो हेयर स्टाइल है पूरा नीचे तक चले जाए और उसी हिसाब से आपको सेक्शन लेने होंगे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं हम ऐसे ही सेक्शन ले रहे हैं और उसके बाद से पिन करते जा रहे हैं। तो आप बॉबी पिन से ही पिन कर सकते हैं, जूड़ा पिन से ही पिन कर सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों बेसिक चीज़ों के ऊपर मैंने ऑलरेडी काफ़ी वीडियोस बनाई हुई है, अगर आपने नहीं देखा है तो वो वीडियो ज़रूर देखें, आई एम श्योर आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। जैसे कि बैककॉमिंग कैसे करते हैं, बैककॉमिंग पफ कैसे बनाते हैं, बैककॉम को ओपन कैसे करते हैं, इसके ऊपर मैंने पूरी कंप्लीट वीडियो बनाई हुई है। अगर आपके पास कोई क्लाइंट आता है और आप बहुत ही ज़्यादा उसका फेस को देख के कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, तो फेस शेप के ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, अगर आपने नहीं देखा है तो वो वीडियो ज़रूर देखें, हमारे चैनल पर अपलोड है। हेयर स्टाइलिंग में कौन से प्रोडक्ट होते हैं जो आपको यूज़ करने चाहिए हेयर स्टाइलिंग में, तो वो भी पूरी कंप्लीट वीडियो बनाई हुई है, उसके अंदर पूरे डिटेल से आपको अच्छे से समझाया हुआ है। अगर आप मार्केट में मशीनें परचेज़ करने जाते हैं या फिर आप डमी परचेज़ करने जाते हैं, तो आपको क्या चीज़ देख के डमी या मशीनें परचेज़ करनी चाहिए, इसके ऊपर भी पूरी कंप्लीट वीडियो बनाया हुआ है। या फिर आपके पास हेयर स्टाइलिंग डमी है और आपको नहीं पता है कि उसको कैसे मेंटेन करते हैं तो उसके हेयर को, तो आप इसके अंदर वीडियो ऐसा बनाया है कि आप देख सकते हैं और देख के अपने हेयर जो आपकी जो डमी है उसको मेंटेन कर सकते हैं कि उसको कैसे वॉश करना है, क्या करना है, तो आप उसके अंदर वीडियो को देख के इजीली प्रोसेस उसके अंदर समझाया गया है, बताया गया, तो आप उस वीडियो को देख के अपने डमी को मेंटेन कर सकते हैं। आई एम श्योर ये सारी वीडियोस आप देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। जैसे कि आप देख रहे हैं हमारा ऑलमोस्ट पूरा फ्रंट का सेक्शन कंप्लीट होने वाला है और फिर उसके बाद से हमारा एक और जो सेक्शन बचा हुआ है फ्रंट में कवर करने के लिए, तो हम इसके अंदर भी कॉइल कर रहे हैं दोस्तों। तो सेम ऐसे ही आपको कॉइल करते जाना है और जो हमने जो अपनी स्टफिंग लगाई हुई है फ्रिल वाली उसके ऊपर पिन करते जाना है, जो आपको टेक्निक बताई गई है उसी वे में आपको वहाँ पे पिन करना है। तो सेम आपको जूड़ा पिन से पिन करना है या बॉबी पिन से पिन करना, आप पिन कर सकते हैं। बॉबी पिन से आप पिन करेंगे तो आपको कोई टेंशन नहीं होगी, जूड़ा पिन से करने पे ये होता है कभी कभार जो पिन होते हैं वो निकल जाते हैं, तो ख़ास तौर पर आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि बॉबी पिन से पिन करें। अगर आपके पास जो नेट है, अगर आप ये नेट लगा रहे हैं तो यहाँ पे जो बॉबी पिन आप यूज़ करेंगे आगे जो शेप होती है राउंड सी जो बॉबी पिन की वो आप यूज़ करें, अगर आप एक चौकोर टाइप की जो शेप होती है अगर वो यूज़ करेंगे तो जो आपकी जो नेट है उसके अंदर अच्छे से पिन जा नहीं पाएगा। तो जैसे कि आप देख रहे हैं अब फ्रंट में हम आ चुके हैं, फ्रंट में हम यहाँ पे कर्ल कर रहे हैं।
तो बचे हुए जो सेक्शन है जो फ्रंट में हमने छोड़ा हुआ था पहले, तो ऐसे ही हम कॉल करें। तो दोस्तों ये हमारा पूरा फाइनल लुक हो चुका है कंप्लीट। तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये हेयर स्टाइलिंग कैसा लगा। और दोस्तों ये एक शाइनिंग हेयर स्प्रे है, जब आप हेयर स्टाइलिंग में काम करते हैं, जब आप स्ट्रॉन्ग हेयर स्प्रे यूज़ करते हैं, मशीन वर्क करते हैं, तो क्या होता है कि आपके जो हेयर स्टाइल होते हैं वो काफ़ी रफ़ हो जाता है, आपका जो लुक होता है काफ़ी डल नज़र आता है। इसीलिए आपको शाइन हेयर स्प्रे यूज़ करना चाहिए, जिससे कि एक ग्लॉसी लुक आए आपके हेयर स्टाइल में। तो प्लीज़ दोस्तों लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और हमारे आने वाली वीडियोज़ के लिए बेल का आइकन जरूर दबाएँ। थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए।